तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पों पर हुकूमती वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में मसरूफ हैं। कभी मरियम नवाज कप्तान को तनकीद का निशाना बनाती हैं, तो कभी राना सना और मरियम औरंगजेब ड्यूटी देते हैं। ऐसे में इमरान खान के नाकदीन में शामिल एंकर पर्सन डॉक्टर दानिश ने पीडीएम हुकूमत को खरी खरी सुना दी। ट्विटर पैगाम में डॉक्टर दानिश ने लिखा, हुकूमती वज़रा मीडिया में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं इमरान सिक्योरिटी रिस्क बन चुका, हुकूमती और रियासती रिट को नहीं मानता, अदालत को नहीं मानता, सिक्योरिटी इदारों पे हमले करवाता है, वो फासिस्ट और अस्क्रियत पसंद है। सीनियर एंकर ने तंजिया अंदाज में मजीद लिखा कि आपकी ये सारी बातें मान लेते हैं, मगर फिर आप भी ये इकरार कर लें कि आप नालायक नाअहल और बुजदिल हुकूमत हैं। एक और ट्वीट में डॉक्टर दानिश ने हुकूमत को मशवरा दिया कि जजिस पर हुकूमत करने, इंतजामियों को मफलूज करने, इख्तियारात को इस्तेमाल ना करने देने का इल्जाम ना लगाएं, बल्कि वजीर आजम अपनी पूरी काबीना के साथ चीफ जस्टिस के सामने एहतजाजन इस्तीफा दें।